अस्सलाम वालेकुम ग्रेड थ्री, आई एम योर ऑनलाइन टीचर एंड विल टीच यू मैथ्स थ्रू दीज ऑनलाइन क्लासेस। होप दैट यू गाइज आर फाइन एंड सेफ एट योर होम्स एंड कम्प्लीटिंग योर वर्क एंड असाइनमेंट साइड बाई साइड। ग्रेड थ्री, टूडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ग्रेटर दैन एंड स्मॉलर दैन ऑफ नंबर्स ऑफ फोर डिजिट नंबर्स। ठीक है, दिस साइन मीन्स ग्रेटर दैन। ये साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ग्रेटर दैन को। इसका माउथ किस साइड पे ओपन है? लेफ्ट साइड पे। लाइक इफ यू कैन सी योर हैंड, दिस इज द सिंबल ऑफ योर ग्रेटर साइन। एंड इफ यू सी योर लेफ्ट हैंड देन यू कैन रिमेंबर द साइन ऑफ स्मॉलर देन। सो लुक एट योर पेज नंबर 35 वेयर वी हैव टू फिल द बॉक्सेज विद द करेक्ट सिंबल। फिल इन द सिंबल्स विद ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। 3024, 4023। तो 3023 क्या है? वो स्मॉलर है। किससे? इससे, 4023 से। हेयर वी हैव 2569, 1659। तो कौन सा साइन आएगा यहाँ पे? ग्रेटर का। ठीक है, ग्रेटर है ना 25 और ये वाला। और सी में 7425, 6899। तो 7425 ग्रेटर है किससे? 6089 से। इन पार्ट डी 5643, 5729, 5643 स्मॉलर है 5729 से। 8075, 8002 तो ये ग्रेटर है इससे। ठीक हो गया। नेक्स्ट 6329, 6129 तो 6329 ग्रेटर हो गया उससे। क्लियर। नाउ इन पार्ट जी वी हैव 4869 ग्रेटर हो गया उससे क्लियर नाउ इन पार्ट जी वी हैव 4083 7899 तो 4099 ग्रेटर हो गया सही है उसके बाद 1062 बड़ा होगा 1042 9 से गुड नाउ लुक एट पार्ट आई 7083 7899 तो 63 वाला बड़ा होगा हमारा ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा एंड 1989 1792 1989 87 इज ग्रेटर फ्रॉम 1972 से 9989 9992 तो 9985 8002 तो जो 38 वाला है वो बड़ा होगा। ऑब्वियस बात है ना। सॉरी 8635 स्मॉलर होगा 8638 से। इन पार्ट एम हेयर वी हैव 3799 3799 एंड 3713। तो ऑब्वियसली 3799 बड़ा है हमारा 3739 से। एंड इन पार्ट एन हेयर वी हैव 5201 5210। तो जो 210 है वो बड़ा है 5201 से। इन पार्ट ओ हेयर वी हैव 4820 4831। सो द स्मॉलर देन साइन विल बी प्लेस्ड हेयर। नाउ लुक एट पार्ट पी हेयर वी हैव 5962 4999। सो 5962 is greater from it, so we have to place this sign. Next, 8327 8295, so 8327 is greater from this. Next, 6009 5999 here. So which one is greater? Obviously 6009 is greater from it. So basically, it is the basic concept that we learn in our junior classes in grade 1 and grade 2. But the difference here is in our previous class grades, we done these greater than and smaller than with the smaller numbers. Like 1-digit number, 2-digit number, 3-digit number till. But here we
आर गोइंग टू डू दिस और वी आर गोइंग टू सॉल्व इट विद द फोर डिजिट नंबर्स. सो यू मस्ट कीप इट इन योर माइंड दैट वाइल प्लेसिंग द साइन, प्लेसिंग द सिंबल, यू हैव टू कंपेयर द वैल्यूज बिफोर. कोई भी साइन पुट करने से पहले आपको वैल्यू को अच्छे तरह से कंपेयर करना है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी छोटी है, ग्रेटर का साइन प्लेस करना है कि स्मॉलर का करना है. ओके, द ईजीएस्ट वे आई एम गोइंग टू टेल यू, एक बहुत ईजी वे मैं बता देती हूँ, एक ट्रिक आपके लिए, दैट हाउ यू कैन प्लेस अ करेक्ट साइन बिटवीन द नंबर्स. क्या होगा वो कि हमेशा जो क्रोकोडाइल है ना, लाइक हेयर वी हैव अ क्रोकोडाइल, इट विल ऑलवेज हंग्री एंड वॉन्ट्स टू ईट द बिगर नंबर ऑलवेज. ही ऑलवेज गोज फॉर द बिगर नंबर. जो जिस साइड पर हमेशा बड़ा नंबर होगा ना, आपने साइन का जो ओपन साइडेड माउथ है, एज है ओपन साइडेड, उसका उस साइड पर पुट कर देना है. ठीक है, हेयर आप देख सकते हो कि यहाँ पर बड़े नंबर की तरफ जा रहा है. तो उन्होंने हमें एक एग्जाम्पल भी दी हुई है कि क्रोकोडाइल वॉन्ट्स टू चेक द नंबर्स एंड ही वॉन्ट्स टू ईट अ ग्रेटर नंबर. ये हमने ग्रेड टू में भी आई थिंक ऐसी स्टेटमेंट पढ़ी थी. सो कीप इट इन योर माइंड, जिस साइड पे बड़ा नंबर होगा, हमें जो ओपन साइडेड एज होगा साइन का, वो उस साइड पे पुट कर देना है. बिकॉज यू कैन से दैट इट इज लाइक अ क्रोकोडाइल्स माउथ दैट वॉन्ट्स टू ईट अ बिगर नंबर. कि क्रोकोडाइल माउथ, क्रोकोडाइल के माउथ के साथ एग्जाम्पल कर देते हैं, और वो हमेशा बड़ा नंबर खाना चाहता है. ठीक है, सो कीप इट इन योर माइंड. इंशाल्लाह वी विल मीट और इन आवर नेक्स्ट लेसन.